जैसे जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस बार चुनावी हिंसा का शिकार बने हैं बंगाल के लेबर मिनिस्टर जाकिर हुसैन, जिन्हें मुर्शिदाबाद के एक रेलवे स्टेशन पर निशाना बनाया गया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कैसे जाकिर अपने समर्थकों के साथ निमंत्रित रेलवे प्लेटफॉर्म पर चलते हुए दिख रहे हैं। मंत्री जी को यहां से कोलकाता के लिए ट्रेन पकड़नी थी, वो उस तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक किसी ने उन पर बम से हमला कर दिया। इस हमले में जाकिर हुसैन के हाथ और पैर में चोट आई है और उनका इलाज मुर्शिदाबाद में ही चल रहा था, लेकिन बाद में उन्हें कोलकाता रेफर कर दिया गया। इस हमले में उनके साथ चल रहे 14 समर्थक भी घायल हो गए, जिनका इलाज किया जा रहा है। मंत्री पर हुए हमले के बाद ममता सरकार ने इसकी जांच सीआईडी विभाग को सौंप दी है। गुरुवार की सुबह सीआईडी की टीम मौके पर पहुंची और वहां से उसने तमाम सबूत भी इकट्ठा किए। शुरुआती जांच में इस मामले को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि इस हमले के आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही असली मकसद सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।